G20 समिट के दूसरे दिन आज 18 देशों के प्रतिनिधियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने सभी वैज्ञानिकों के साथ ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि पूरी कॉन्फ्रेंस में चार मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिनमें पहला स्वास्थ्य रहा कि आगामी कोई भी बड़ी बीमारी से कैसे निपटा जाए। दूसरा, पूरी दुनिया तक विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। तीसरा, विज्ञान स्तर पर प्रयासों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविधता और समानता लाना। चौथा, विज्ञान को अपने बीच में रखकर सभी देश अपनी लीडरशिप तक ये हमारा नेचर बन जाए। इसके बाद अब अगली बैठक अगस्त में होगी, जिस पर फिर गहनता से चर्चा होगी। वहीं विश्व के कई देशों से आए वैज्ञानिकों ने बदलते मौसम को स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा कारण माना, जिस पर गहन रूप से चर्चा भी हुई। वहीं आज राउंड द टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अब गाला डिनर होगा और कल सभी विदेशी प्रतिनिधि बिजरानी गेट से कॉर्बेट पार्क का भ्रमण करेंगे। चार विषयों पर कॉन्फ्रेंस में हुई विस्तार रूप से चर्चा। अगली बैठक अगस्त में होगी, जिस पर फिर गहन चर्चा होगी। स्वास्थ्य रहा पहला विषय कि आगामी परेशानियों से कैसे निपटा जाए। वन हेल्थ पर मंथन हुआ। दूसरा, पूरी दुनिया तक विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को जन जन तक पहुंचाना। तीसरा, विश्व स्तर पर प्रयासों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविधता समानता। चौथा, विज्ञान को अपने बीच में रखकर अपनी लीडरशिप तक आवाज पहुंचाए सभी देश। वैज्ञानिकों ने बदलते मौसम को माना एक बड़ा कारण, जिससे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है बड़ा असर। देखिए, पहला मुद्दा सबसे बड़ा ये था जो ह्यूमैनिटीज को चैलेंज कर रहा है कि हम फ्यूचर पेंडेमिक्स को कैसे बचाएं, जिसमें ह्यूमन हेल्थ, लाइफ स्टॉक, जो हमारे अपने पशु हैं, और वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट, इनको मिला के हम ऐसा बनाएं कि एक मिलके प्रोग्राम बने, जो सारी कंट्रीज एक दूसरे से कोऑपरेट करें, और उसमें सर्वेलेंस मैकेनिज्म हो, नई वैक्सीन का इजाद कैसे होगा, क्या इसमें हमें रखना पड़ेगा, एसएनटी इंटरवेंशन सब हो रहा है। दूसरा मुद्दा था कि जो साइंस है, इसको हम क्या जन भागीदारी बनाएं। इसको जन भागीदारी के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, और सारी कंट्रीज इसके लिए उत्सुक हैं कि इसको जन भागीदारी बनाया जाए। तीसरा मुद्दा था कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो इक्विटी, सबको इक्वल मिले मौका, और सभी इंक्लूडेड हो, इंक्लूजन हो और एक्सेसिबिलिटी हो, इसको लेकर हमारे क्या पॉलिसी इश्यूज होने चाहिए। तो ये पॉलिसी इश्यूज भी आज डिस्कस हुए। और सबसे चौथा बात है कि जो साइंस पॉलिसी को हम क्यों अपने बीच में रखकर हमारे जो लीडरशिप तक अपनी आवाज पहुंचाएं सारे कंट्री, ताकि एक एसएनटी बेस्ड पॉलिसी डिसीशन एक हमारा नेचर बन जाए, एक हमारा स्वभाव बन जाए। बिल्कुल है, और क्लाइमेट चेंज और हेल्थ बहुत इंटर रिलेटेड है, इसको भी लेकर चर्चा हुई, और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। अगली अगस्त के एंड में एक मीटिंग रहेगी, जो हम आपको एकदम अभी कुछ दिनों में अनाउंस कर देंगे अगस्त के एंड में, और उसमें इन सभी बातों को लेकर फाइनल जो चर्चा होगी उस पे हम क्या इश्यू। सारे डेलीगेट जिम कॉर्बेट घूमने जाएंगे, मुझे तो लगता है, मैं तो हाथ पकड़ के नहीं ले जा रहा, पर उम्मीद है कि वो सिर्फ एक या दो कंट्रीज के लिए मायने रखते हैं, वो सभी कंट्रीज के लिए मायने रखते हैं। है फर्स्ट G20 CSAR की जो कॉन्फ्रेंस हुई है राउंड टेबल, उस पर आधारित है।